हेलो बच्चों, आज चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 चैप्टर से आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है। अब तक आपने 2 यूनिट कर ली हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से बनती है फर्स्ट यूनिट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इनसे बनते हैं सेकंड यूनिट। तुमने 2 यूनिट्स फिनिश कर दी हैं, अब थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट थोड़ी सी लेंदी है। थर्ड यूनिट में आपका 6 चैप्टर, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th। ठीक है, छह चैप्टर्स हैं आपके, ये 6th थर्ड यूनिट में आएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस इसका नाम है, इसी यूनिट का नाम क्या है, कैलकुलस। और ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना। और ये चैप्टर्स आपस में लिंक्ड है, यानी कि जो चैप्टर आप 6th चैप्टर से रिलेटेड 7th है, 7th से रिलेटेड 8th है, 8th से लिया 7th और 8th कर लोगे तो आपको इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन में 2 चैप्टर हैं, 9th और 10th, दोनों डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर। ठीक है, फिर 11th चैप्टर भी इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। इंटीग्रेशन आपको आएगा डिफरेंशिएशन जब आएगा तब। तो मतलब ये सारे चैप्टर, सारे टॉपिक क्या आपस में लिंक्ड है, तो बेटा आपको है ना इनको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। नई यूनिट में हम एंट्री कर रहे हैं, तो ये अच्छे से तैयार करना। इस चैप्टर का क्या नाम है 6th का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ बाद में बताएंगे, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो इसको करने से पहले थोड़ा तुम्हें लिमिट का आइडिया होना चाहिए। लिमिट्स, लिमिट के क्वेश्चन आपने करे होंगे ना 11th क्लास में, तो वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, आपका थोड़ा रिविजन कराता हूँ, फिर हम कंटिन्यूटी का टॉपिक करेंगे स्टार्ट। तो इसको शुरू करने से पहले क्या है, आपको लिमिट्स पता होना चाहिए। लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स का क्या काम है, लिमिट कब यूज़ होती है, क्या होती है लिमिट्स, वो देखो। जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x)=x+1। ये कोई फंक्शन मैंने लिया है, फंक्शन नहीं, फंक्शन आपको पता ही, अब क्या होता है, आपने खूब पढ़ रखा है फंक्शन क्या होता है। अब मैं कह दूँ @x=1, 1 पे बताओ इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मतलब x=1 पे फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, जहाँ x वहाँ रख देंगे 0, जहाँ पर भी x वहाँ पर रख देंगे 0, तो क्या होगा, 0+1 1 आएगा। आप क्या कहोगे, एक्स के लिए 1 डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 0 पे, 0 पे फंक्शन के लिए क्या होगी, 0+1 1। तो जब आपने एक्स की वैल्यू 0 पे, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। पूछ ले @x=5 पे बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो अब क्या करोगे, इसमें जहाँ एक्स हमारे 5 रख देंगे तो क्या होगा, ये 5+1 क्या होगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब आपने क्या करा, इस फंक्शन में आपने जिस पॉइंट पे उसने पूछा कि इस पॉइंट पे वैल्यू निकालो, तो आप इजीली निकाल दोगे। जो वैल्यू जिस पॉइंट पूछे वही पॉइंट उसके अंदर रख के ना निकाल देंगे। @x=10 पे निकालना हो तो क्या करेंगे, x=10 रख देंगे। @x=15 पे निकालना हो वैल्यू फंक्शन की, तो क्या करेंगे, फंक्शन में जहाँ एक्स हमारे 15 रख देंगे। तो यूँ करके ना हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या है, जैसे अब मान लो फंक्शन ही आ गया, सपोज करो फंक्शन ही आ गया x+1/x-1, ये फंक्शन है। अब आपको कोई कह दे इसमें @x=1 पे वैल्यू निकालो, 1 पे निकालो फंक्शन की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, जहाँ एक्स हमारा रख देंगे 1, तो क्या बताओ, 1+1 क्या होगा, 1+1 क्या होगा 2, नीचे क्या होगा, 1-1 क्या होगा, 0, 2/0। सर ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है, यानी नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है, यानी आप इसके लिए इन्फिनिटी पे बता सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब फंक्शन आ गया जैसे ये x²-1/x-1। ठीक है, या मान लेते हैं x की पावर 10 ले लो, चलो x की पावर 10/x-1, ये पे फंक्शन है। और कोई कहते हैं @x=1 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो अब क्या करोगे, जहाँ एक्स हम रखेंगे 1, तो क्या होगा, 1 की पावर 10 क्या होगी बताओ, ये क्या आ गया, 1 की पावर 10-1/1, 1 को 10 पावर लगाओ तो 1 ही आएगा, 1-1 के बाद 0/0 आएगा, 0/0 फॉर्म होती है। ये क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये फॉर्म डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो क्या हो गया, x=1 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं हुई, मतलब फंक्शन की वैल्यू कह रही इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो क्या हो गया, हम 1 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाए। तो अब 1 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाए, इसका मतलब क्या हो गया, जब किसी पॉइंट पे हम कोई फंक्शन की वैल्यू ना निकाल पाए तो फिर क्या पड़ती है, हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या होता है, कंसेप्ट पे लिमिट का यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, फंक्शन में या लिमिट्स में, लिमिट्स का यूज़ कब करते हैं हम,
लिमिट का बेसिक काम क्या होता है, लिमिट का काम एक ही होता है क्या, फंक्शन की वैल्यू निकालना किसी गिवन पॉइंट पे, ठीक है। अगर कई बार हम क्या करते हैं, फंक्शन हमें ऐसा दे रखा हो जिसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, जिस भी पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर पुट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालने में आप असमर्थ हो, आप फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स का यूज़ करते हैं। तो लिमिट का कंसेप्ट बेसिकली क्यों यूज़ हुआ, लिमिट क्या काम आती है, जब फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर पॉसिबल ना हो निकालना तो फिर हम क्या करते हैं, लिमिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिमिट्स का यूज़ करके कैसे फंक्शन की वैल्यू निकलती है वो हमें पता होना चाहिए। तो तुम्हारे माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि लिमिट का यूज़ कब करते हैं, कब करते हैं, लिमिट का यूज़ हम तब करते हैं जब फंक्शन की वैल्यू निकालने में क्या हो, हम असमर्थ हों, हम वैल्यू ना निकाल पाएँ किसी पॉइंट के ऊपर, तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लिमिट का काम क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू निकालना ही होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो ये है बेसिक लिमिट का कंसेप्ट, ठीक है। लिमिट को सोल्व करने के तरीके मैं आपको बार बार बताता जाऊँगा, लेकिन ध्यान रखना 4-5 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, मैं लिखता हूँ, जब किसी लिमिट में 0/0 फॉर्म आ जाए, इनफिनिट बाई इनफिनिट फॉर्म आ जाए, इनफाइनिट माइनस इनफिनिट आ जाए, 1 की पावर इनफिनिटी आ जाए, इनफिनिटी इंटू 0 आ जाए या 0 इंटू इनफिनिटी आ जाए, ठीक है ना। ये सब क्या होती हैं, दीज आर कॉल्ड द इनडिटरमिनेट फॉर्म। एक और होती है 0/∞ होती है, मतलब तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे यही टाइप आती है, ठीक है। इस तरह में अगर किसी फंक्शन में इस तरह की वैल्यू बनती हो, फंक्शन की वैल्यू रखने से अगर ये फॉर्म बन जाए या ये फॉर्म बन जाए या ये फॉर्म बन जाए, तो इनको क्या बोलते हैं, फंक्शन की क्या है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में चला गया और फंक्शन की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल होगी। तो ऐसे पॉइंट्स पे जब इस तरह की फॉर्म बन जाती हैं तो फंक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब लिमिट्स को सोल्व करने तुम लोगों ने खूब कर रखा है बेटा, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं लिमिट्स के जो आपने याद करने हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1, याद रखना। जो एंगल साइन का वही एंगल बटे में होना चाहिए, वही एंगल डिनोमिनेटर में हो और उसी एंगल की लिमिट 0 हो, तो क्या होगा, 1 होगा। ये फॉर्मूला याद करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, ये भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू ए ले लो, चलो लिमिट एक्स क्या ए है, ठीक है। एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये क्या होता है, ए इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। एक होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ए रेस टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। फिफ्थ फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए रेस टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या होगा, लॉग ऑफ ए होगा, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले आपने याद करने, बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हो, मैंने जस्ट लिखा है इनको ताकि तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ मैं। आगे देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये क्या होता है, ई के इक्वल होता है, ये क्या होता है, ई के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 7 फॉर्मूले मैंने आपको लिखे हैं, ये 7-7 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें। ये जो फॉर्मूले हैं ये अपने काम आएंगे तुम्हारे, किस चीज़ में काम आएंगे, लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी में लिमिट्स को ही सॉल्व करना है हमने, तो वो तुम्हें आने चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के लिखता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, जहाँ पे भी आप 1 cos 2 दिख जाए, ठीक है, इसका लगाओगे फॉर्मूला 2 sin² a, जहाँ पे भी लिमिट में जहाँ पे भी 1 cos दिख जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना हमने। यहाँ पे 2a है तो 2a का हाफ क्या होता है, a, तो देखो यहाँ पे आ गया ना। ऐसे अगर मान लो मैं कहता हूँ 1 cos a निकालो, या आपसे ये कह दे कि 1 cos x/2 अगर आ गया
तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वन माइनस कॉस क्या होता है, टू साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल उसका हाफ कर देंगे, एक्स बाई टू का आधा क्या होता है, एक्स बाई फोर। तो इसका फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करना, वन माइनस कॉस क्या होता है, टू साइन स्क्वायर, और यहाँ जो भी एंगल होगा उसका हाफ करना है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला साइन टू ए वाला क्या होता है, टू साइन ए कोस ए, साइन टू का क्या होता है फॉर्मूला, टू साइन ए कोस ए, ठीक है, एंगल का हाफ। ये दो फॉर्मूले जो है ना बहुत काम आएंगे, इनको याद कर लेना, ये तुम्हारे अब इसमें लिमिट्स में काम आएंगे। अब देखो, अब आगे चलते हैं पेज नंबर सेकंड, ठीक है। क्या कहता है, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ही आ गया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, कोई कहता है इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। ये लिमिट क्या है, एक्स की लिमिट कितनी है, फाइव, ठीक है, फाइव पे एक्स अप्रोच किसको कर रहा है, फाइव कर रहा है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव और ये फंक्शन है, कहता है इसको सॉल्व करो। तो बेसिकली पता है हमें क्या पूछ रहा है, रियल में क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इसकी वैल्यू निकालनी है कब, जब एक्स वैल्यू पाँच हो। तो ये लिमिट का मतलब क्या होता है, एक्स पाँच को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच का मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू फाइव के बिल्कुल लगभग लगभग इक्वल ही है, थोड़ी मोड़ी बिल्कुल जस्ट थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन फाइव को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो इस लिमिट का क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। जब किसी लिमिट के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ना हो, क्या ना हो, डिनोमिनेटर ना हो, सिर्फ बगैर डिनोमिनेटर, बगैर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, बगैर मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर टर्म आ जाए, है ना, यानी जिसमें डिनोमिनेटर ना हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली लिमिट पुट कर लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखा हमने, कि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स लिमिट यहाँ पे फाइव है ना, तो इसमें फाइव रख देंगे लो, तो फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव क्या होगा, ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव क्या होगा, थर्टी इज द आंसर, ठीक है। और देखो क्वेश्चन ये आ जाए, लिमिट एक्स टेंस टू फोर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की पावर फाइव, चलो ये ले लो, ठीक है, ठीक है भाई, एक्स की पावर टू ले, चलो लिमिट एक्स टेंस टू टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की पावर फाइव, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या देख रहे हो, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो जब डिनोमिनेटर ना हो तो क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, ध्यान रखना। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए कर गए, एक्स की लिमिट टू है ना, तो जहाँ एक्स वहाँ पर टू रख देंगे, तो टू का स्क्वायर प्लस वन या क्या टू की पावर फाइव हो जाएगा, ये फोर होता है, ये वन, ये क्या होगा, टू की पावर फाइव थर्टी टू क्या होगा, थर्टी सेवन इज द आंसर, ले लो, ठीक है। अब अगली टाइप देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन। अब इसमें रखो लिमिट, अब इसमें डिनोमिनेटर भी आ रहा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ रहे हैं, तो हमें क्या चेक करना है, लिमिट रखो इसके अंदर, अगर ये फॉर्म बन जाए या ये बन जाए या ये बन जाए, जीरो बाय ज़ीरो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, अगर इस तरह की कोई फॉर्म बनती है तब तो लिमिट रखेंगे नहीं, वरना तो लिमिट रख के सोल्व करना डायरेक्टली। अब इसमें रखोगे अब तो क्या होगा बताओ, ज़ीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो, जीरो प्लस फाइव, फाइव आएगा कि नहीं आएगा, फाइव आ गया, ऊपर जीरो नहीं बना, ऊपर इन्फिनिट नहीं बना, तो नीचे से कुछ बनो, यानी ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जब ये फॉर्म नहीं बन रहे तो क्या करना है, डायरेक्टली लिमिट रखनी है। तो इसमें जहाँ एक्स हम रख देंगे जीरो, तो जीरो का स्क्वायर प्लस फाइव अपन जीरो माइनस वन क्या होगा, फाइव अपन माइनस वन, माइनस फाइव इज द आंसर, ठीक है, ऐसा सोल्व करना है। क्वेश्चन जैसे ये आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू टू, ठीक है, अब इसमें इसको सॉल्व करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा है फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, रख के देखो क्या ये फॉर्म बन रही है, नीचे रख के देख लो, टू प्लस टू क्या होगा, फोर, नीचे जीरो नहीं बना, नीचे जीरो ना बने कोई टेंशन नहीं है, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह जीरो नहीं बनना चाहिए, या दोनों जगह इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे क्या नीचे जीरो नहीं बन रहा है, तो टेंशन खत्म, ये फॉर्म कभी बनेगा नहीं, नहीं बने तो क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू क्या होगा बताओ, टू का स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू प्लस टू, जहाँ एक्स रख देंगे टू, तो क्या होगा, फोर माइनस फोर अपॉन फोर, फोर आ जाएगा, क्या होगा, जीरो अपॉन फोर, यानी जीरो इज आंसर, ले लो। क्वेश्चन अगर ये आ गया तो अब बताओ, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करो, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह रख के देखो,
क्या ये फॉर्म बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही, नीचे तो जीरो बनेगा लेकिन अब ऊपर नहीं बन रहा जीरो, तो अभी क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट रखनी है। तो रखो लिमिट 5 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 5 है, 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 5 क्या हुआ, 27 अपॉन 0 क्या हुआ, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो ओके जब 0/0 फॉर्म ना बने या इन्फिनिट फॉर्म ना बने तो डायरेक्टली वैल्यू रखनी है। ये तो होगी टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन। अब आते हैं टाइप नंबर सेकेंड क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमने सिंपलीफाई करना है। अब आप क्या करोगे, इसमें जरा 2 रखे देखो लिमिट, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 माइनस 4 क्या हुआ 0, 2 की पावर 5 क्या हुआ 32, 32 माइनस 32 0, 2 रखते लिमिट क्या होगा ऊपर नीचे 0 बन रहा है, तो जब ऊपर नीचे 0 आ रहा है तो क्या हो गया ये 0/0 फॉर्म बन गई, तो क्या हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। यानी क्वेश्चन क्या आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखेंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब इस लिमिट को सॉल्व करने का तरीका समझ लो। जब ऊपर नीचे 0/0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करना, ठीक है ना, और एक क्या होता है विदाउट सब्स्टिट्यूशन यानी फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर बना के भी कर सकते हो, फैक्टर बनाना ईजी तो फैक्टर बना के कर लो, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर बना के कैसे करोगे, देखो फैक्टर बनाओ बेटा, इसके फैक्टर बना दूँ मैं x माइनस 2 और x प्लस 2 है ना, और इसके फैक्टर बना दोगे आप, इसके इसके फैक्टर बनाने में दिक्कत आएगी आपको, x की पावर 5 माइनस 32 थी तो फैक्टर बनेगा नहीं। ठीक है, तो फैक्टर अगर बनाते तो फैक्टर से कर लो, फैक्टर अगर बन जाएंगे तो ईजिली तो ठीक है, लेकिन अब इसमें हमें दिक्कत आएगी है ना, तो फिर क्या करेंगे, फिर अपने पास दूसरा तरीका बचता है क्या, फैक्टर अगर ना बनते हो तो क्या करेंगे, फिर हम पुट करके कर लेंगे, ये इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पुट करते हैं, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जहाँ पर लिमिट क्या है इसके, एक्स के 2 है ना, तो जहाँ एक्स वहाँ पे 2 प्लस एच पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या करेंगे 2 प्लस एच पुट करेंगे, यानी जो लिमिट है उसमें एच जोड़ दो। अब देखो ध्यान से, जब आप एक्स की जगह 2 प्लस एच करोगे इस पूरी रकम में, जहाँ एक्स वहाँ पे 2 प्लस एच करोगे तो क्या होगा बताओ, तो इसमें क्या होगा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब आप जहाँ एक्स वहाँ पे 2 प्लस एच रखोगे तो पूरी रकम h में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लिमिट भी तो h की होनी चाहिए ना, तो आप लिमिट चेंज करोगे क्या लिखोगे, देखो x की लिमिट कितनी है 2, देख रहे साफ साफ, तो x की जगह 2 रखोगे तो क्या होगा 2 माइनस 2 क्या होगा 0, तो h की लिमिट क्या होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में h की लिमिट हमेशा 0 आएगी, ध्यान रखना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओगे, जहाँ x वहाँ पर क्या रखेंगे 2 प्लस h, जहाँ पर भी x वहाँ क्या रखेंगे 2 प्लस h रखेंगे, 2 प्लस h माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस एच प्लस 2, जहाँ x वहाँ पे 2 प्लस एच रख देंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 32। ठीक है, तो कट रहा है, ये कट जाएगा इससे, क्या बचेगा ऊपर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच बच गया, यहाँ क्या होगा 4 प्लस एच, 4 प्लस एच हो जाएगा, और इसको खोल दो, पावर 5 थी यहाँ पे तो पावर 5 खोलो, इसमें लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, चाहे वैसे खोल दो, तो बाइनोमियल से खोल दे, खोल दो सीधा, क्या होता है 5c0, हाँ भाई 2 की पावर 5 एच की पावर 0, ठीक है इसकी पावर 5 फिर इसकी पावर 0, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ 5c1 2 की पावर 4 एच की पावर 1, 5c2 2 की पावर 3 इसकी पावर 1 कम कर देंगे, इसकी पावर बढ़ा देंगे, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा था ये, बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में पढ़ा था, 5c4 2 की पावर 1 और h की पावर 4 हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या होगा 5c5 2 की पावर 0 h की पावर 5 और माइनस 32 अपने पास आ ही गया। ठीक है, आगे सॉल्व कर देखो, तो क्या आएगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 4 प्लस h, ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये 1 होता है 5c0 क्या होता है 1, ये भी 1 क्या होगा यहाँ पे 2 की पावर 5 32 बच गया, 5c1 क्या होता है 5c1 क्या होता है 5 इंटू 2 की पावर 4 h, 5c2 क्या होता है 10, खोल देना 5c2 क्या होता है 10, 10 इंटू 2 की पावर 3 क्या होगा 8 एच स्क्वायर, 5c3 भी 10 होता है 2 की पावर 2 क्या होगा 4 h क्यूब, ठीक है,
प्लस नीचे देखो 5c4 क्या होता है, 5 × 2 h^4 और यह क्या होगा 5c5 क्या होता है 1 ईयर 1 ही क्या होगा h^5 बचेगा। ये तो इसको खोला तो यह आया और -32 और था, ये 32 से 32 कट जाएगा। अब जब बच रहा देखो क्या बच रहा ऊपर, इन सब में h कॉमन है तो सब में से h कॉमन निकाल दो नीचे, ये क्या होगा 5c1 क्या होता 5, ये क्या होता है 16, 5 × 16 80 बचेगा, h कॉमन निकाल दिया था हमने, यहाँ क्या होगा 80h बचेगा, यहाँ क्या होगा 40h2, इस में h क्यूब में से h हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा 10h बचेगा है ना, 10h³ और यहाँ क्या बचेगा h^4 बचेगा, एच से एच कट जाएगा। अब देखो एच से एच कटते ही 0/0 फॉर्म खत्म हो गई, अब एच की लिमिट रखेंगे ना तो ऊपर से 0/0 फॉर्म खत्म हो गई, तो जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो तब तक हमने इसको सॉल्व करना है, जब 0/0 फॉर्म खत्म हो जाए तो लिमिट रखनी है, तो एच की लिमिट 0 यहाँ पे, तो क्या करेंगे इसमें जहाँ एच वहाँ पर रखेंगे 0, तो क्या होगा तो 4+0 ये क्या होगा 80 × 0 0 आएगा, 80 × 0 जहाँ जहाँ एच वो सारे 0 देंगे, तो आगे सारे 0 देंगे लो, तो 4/80 मतलब 1/20 इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/20। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया, फैक्टर बनते तो फैक्टर बनाओ अदरवाइज आप इससे करोगे कौन से सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं किसी जगह 2+h पुट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं 11th क्लास में, पूरा चैप्टर आपने कर रखा है, तो ये जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया आपको कि लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं और लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, कल जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको और कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे हम, और उसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे करेंगे स्टार्ट, तो फिलहाल आप इतना करो। ठीक है, ये लिमिट का कंसेप्ट बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया स्पेशल, तो ये आप अच्छे से पढ़ना।